मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ, जिसकी आपको पता है राखी आने वाली है। भाई बहन का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, जिसमें प्यारी प्यारी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है और भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में राखी की बधाइयां, आपकी राखी बहुत अच्छी से जाए। तो आज की वीडियो एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिसमें कि मैं इस प्यारे से ग्रुप में बताऊंगी कि कौन कौन अपनी राखी कैसे कैसे और किस किस के साथ राखी बनवा कर सेलिब्रेट करता है। वैसे तो आप लोगों ने मोहक एंड सुरभि के राखी ब्लॉग्स देखे होंगे, जो कि उन्होंने लास्ट ईयर सेलिब्रेशन के डाले थे। आपको पता होगा मोहक अपनी सिस्टर्स के साथ एंड सुरभि अपनी सिस्टर के साथ राखी सेलिब्रेट करती है, बट नितेश कुणाल एंड खुशी किसके साथ राखी सेलिब्रेट करते हैं वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको, तो वीडियो पूरी देखना। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मोहक कुणाल नितेश अपने अपने होम टाउन जाते हैं राखी सेलिब्रेट करने। मोहक सुरभि कुणाल नितेश और खुशी की राखी की वीडियोस आएंगी या कुछ भी पोस्ट आएंगी तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि वो वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहक की। मोहक की कोई रियल सिस्टर नहीं है, तो वो अपनी कजिन सिस्टर रशीमा एंड तानिया दी से राखी बनवाते हैं। ये दोनों ही मोहक के बड़े पापा यानी कि मोहक के पापा के बड़े भाई की बेटियां हैं। मोहक हर साल अपनी राखी अपने होम टाउन हिसार हरियाणा में ही सेलिब्रेट करते हैं एंड अपने यूट्यूब चैनल पर इसका व्लॉग भी डालते हैं। तो देखना ये होगा कि इस बार वो व्लॉग डालते हैं कि नहीं, क्योंकि सॉन्ग के बीटीएस के बाद उनके चैनल पर कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है, तो शायद हमें मोहक का राखी व्लॉग देखने को मिल सकता है। अगर ये व्लॉग आउट हुआ तो बहुत टाइम के बाद हमें इनके चैनल पर कोई व्लॉग देखने को मिलेगा। अब बात करें सुरभि की, तो सुरभि अपनी राखी अपनी छोटी सिस्टर लहर के साथ सेलिब्रेट करती है, क्योंकि सुरभि के भी कोई भाई नहीं है यानी कि उनके रियल भाई नहीं है। वैसे सुरभि अपनी मौसी के बेटे पार्थ को राखी बांधती है, जो कि आगरा में रहते हैं। सुरभि भी अपनी राखी का व्लॉग चैनल पर डालती है, तो लास्ट ईयर भी इन्होंने डाला था, ये वाला व्लॉग था आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इस बार भी व्लॉग आएगा जो कि इनके चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब बात करें नितेश की, तो नितेश अपने होम टाउन बिहार में ही राखी सेलिब्रेट करते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि नितेश की एक छोटी सिस्टर है, नितेश की छोटी सिस्टर का नाम अंकिता है एंड लास्ट ईयर उन्होंने ये वाली बूमरैंग डाली थी अपनी सिस्टर को राखी बांधते हुए। पर नितेश राखी का व्लॉग नहीं बनाते हैं, ना ही उन्होंने कभी सिस्टर का फेस रिवील किया। नितेश कहते हैं कि वैसे ही अपने होम टाउन कम ही जाता हूँ, दो चार दिन का समय होता है फैमिली के साथ स्पेंड करने का, तो मैं अच्छे से फैमिली को टाइम देना प्रीफर करता हूँ, ना कि वीडियो बनाने के। अब बात करें कुणाल एंड खुशी की, तो कुणाल के भी कोई रियल सिस्टर नहीं है, वो अपनी कजिन सिस्टर से राखी बनवाते हैं एंड कुणाल भी अपने होम टाउन बिजनौर उत्तर प्रदेश में गए हैं राखी सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब कि राखी पर ये तीनों ही अपने अपने होम टाउन चले जाते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं खुशी कार्की की, तो खुशी अपनी राखी अपने छोटे भाई के साथ सेलिब्रेट करती है। खुशी के एक छोटा भाई है जिसका की नाम अभिषेक है एंड अभी वो छोटे हैं। खुशी ने अभी तक तो कभी अपनी राखी सेलिब्रेशन का कोई वीडियो शेयर नहीं किया है, बट इस बार खुशी वीडियो शेयर करेंगी। कुणाल एंड खुशी ने अभी तक अपनी राखी का व्लॉग अपने चैनल पर नहीं डाला है, तो हो सकता है इस बार व्लॉग हमें देखने को मिले। जैसे ही ये सभी अपनी अपनी राखी सेलिब्रेशन की वीडियो शेयर करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। एंड इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।